हम पटना के मुसलरपुर हाट में हैं, जहां दिल और दिमाग सिर्फ पढ़ाई के बात करता है, जहां लगन और मेहनत के आगे तकदीर भी जुट जाती है, जहां जुनून और संघर्ष के आगे सपने भी घुटना टेक देता है, जहां लड़का लोग के ऑक्सीजन से ज़्यादा दुनिया में होखे वाला घटना के प्रिफ्रेंस देवे पड़ता है, बीड़ी सिगरेट से ज़्यादा यहाँ रेलवे का नशा है, वही नशा में अपना लैकन दासा बिगाड़ लेता है। यहाँ रात में पार्टी नहीं भैया, एनसीईआरटी चलता है। गांव में लोग कहते हैं कि परित खेत और कुंवार लड़का के ढेर दिन तक नहीं रखल जाता है, जोत देवल जाता है। अब तो बाऊ माई जी के भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि उनको लग रहा है कि हम तो गोईठा में घी सुखा रहे हैं। अब आपसे क्या बताएं भैया, अभी अभी जस्ट एक ही हफ्ता ही होबे किया है कि एक व्हाट्सएप पर सुंदर कन्या के फोटो भेजकर ऑनलाइन एंगेजमेंट सेट हो गया। अब देखिए ना, अब पटना में ना तो दिले लग रहा है ना दिमागे लग रहा है, ये दिमाग एकदम 360 के अपोजिट हो गया है। 24 घंटा के समय में अब उनके लिए 25वां घंटा कहाँ से लाएं? कोचिंग से आने के बाद जूता खोलने से पहले व्हाट्सएप खोल देते हैं और सोचते हैं कि शायद उनका गुड मॉर्निंग वाला मैसेज आया होगा दो गुलाब के साथ। हमारा टाइम तो कोचिंग क्लास करते करते निकल जाता है, लेकिन वो बेचारी भी क्या करे, उसकी क्या गलती? बस यही उसका एक गलती हो गया है कि उसका शादी एक पढ़े वाला लड़का से सेट हो गया है, जो कि उसको कुछ फुर्सतें ही नहीं है, जो 5 मिनट के प्यार भरे बात नहीं कर सकता, दिन भर इतिहास से बात करता है। ई कोचिंग ऊ क्लास से ऊ क्लास करते करते इतना अगेंस्ट हो जाता है कि भूल ही गया है कि उसका एंगेजमेंट भी हो गया है। अब वह अकेले नहीं, उसका भी कोई है। वह जिक्र किए बिना उसी का कोई फिक्र करता है। हर लड़का के सिर्फ यही सोचता है कि ई होली ई दशहरा तो बार बार आता है, लेकिन ई कैरियर बार बार नहीं आता है। वो लड़का होली दशहरा करते करते इतना चिपक जाता है कि सारा को त्याग कर देता है। और लड़की का भी कोई दोस्त नहीं है, उसका भी मन करता है कि वो रिंकिया और पिंकिया जैसन दिन भर अपन दूल्हा से बतियाता। अब हम का कहें भैया, हम यह पटना में देखे हैं कि यह 5 साल में कितना लड़का ना तो दूल्हे बन पाता है और ना ही ड्राइवर ही बन पाता है। भूगोल के तरह भी रेलवे की तैयारी करने वाला विद्यार्थी में भी सकारात्मक परिवर्तन आता है। ई कपार कब सुंदरवन से पठार का रूप ले लेता है पते नहीं चलता है, और ई पेट पृथ्वी की तरह कब अंडाकार हो जाता है ई मालूम ही नहीं लगता है, और ई चेहरा कलहारी मरुस्थल जैसा कब उदास हो जाता है मालूम नहीं चलता है। रेलवे का तैयारी करते करते दूल्हा कब दूल्हा से भैंसुर बन जाता है इहो उसको मालूम नहीं चलता है। और ये आओ ना ये तो लड़का का मन नहीं होता है कि वह भी दिन भर प्यार मोहब्बत के बात करते रहे, लेकिन नहीं, किताब और कलम के बीच में ऐसा मोहब्बत प्यार मोहब्बत दब जाता है कि वो का बताए। लेकिन नहीं, किताब और कलम के बीच में प्रेम दब जाता है, पढ़ाई और प्यार के बीच में ऐसा टूटता है कि क्या बताएं, वो कभी नहीं जुट पाता है।